में जब 98 में घटना हुआ ना, तो सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया। किसने बोल दिया? जो भी फोन करके बताए ना। भ्रष्टाचारी नहीं बोल दिया होगा? ठीक है, सब लोग नीचे उतरे, परंतु एक माता जी को, ये सीता माता जी थे ना हैदराबाद की, बाबा ने कहा ये कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं रहेंगे। तो फिर वो कुंडी लगाए, फिर वो अंदर गए, कौन चंद्रकला बहन, गंगा बहन और माता जी। तो इतना सुन्नाट लग रहा था, और वो फिर जा करके दीपक जलाए। जैसे ही वापस आ रहे थे, फिर बाकी सब बहनों बाहर थे और दीपक जलाए और वापस आ रहे थे, तभी फोन आया। तो गंगा बहन बोल रहे बाप रे करंट शॉक लगेगा, मैं नहीं उठाऊंगी। तो हमने बोले हम लोग है ना, कुछ होगा तो देख लेंगे। जब भी फोन आया तभी बोला कि मतलब अभी कोई नहीं जाना। तो उन्होंने गंगा बहन बोले, ये आवाज किसकी थी? वो श्याम भाई जी, पति विजयलक्ष्मी माता की बीच वाला बेटा, का नाम क्या है? राम। हाँ जी, उन्होंने कहा आप लोग जितना लोग रह गए रह जाइए, स्टेशन पर जो भी है उनको भी हम लोग वापस ले आएंगे, बाबा का डायरेक्शन नहीं है। तो जो लोग को कुछ पता ही नहीं है, उनसे फिर अंदर जाने का जो फाउंडेशन डाला, इसका मतलब क्या? ऐसे ही जो अभी आगे के लिए जो परीक्षा होने वाले है, ऐसे ही बाबा जो बच्चों को उठाना है, जिसको थमाना है वो थमा देंगे। किसी व्यक्ति के डायरेक्शन को मानना है या मुरली के डायरेक्शन को मानना है? नहीं, जो रह गए। क्या रह गए? आगे लोग जो आए वो भी बाबा बोले करके जो बोल दिया ना, सच तो नहीं मना, जो जैसे कि अंदर गए ना बाबा, तो फोन उठाई, तो फोन उठा के राम भाई ने बता दिया कि अभी कोई नहीं जाना, आप लोग जितना भी बहन, तो भी गंगा चली गई, कहाँ रही ना। हाँ, गंगा नहीं गई। नहीं गए बाबा? हाँ जी, हाँ जी, आंध्रा वाले नहीं गए। हाँ जी, उसमें और यूपी में भी मंजू बहन थी। आंध्रा वाले नहीं गए, भागने वालों में आंध्रा वाले नहीं होंगे। आंध्रा वाले भी हल्के अंदर है, विजयमाला है, वो नहीं भागेंगे। बाकी जो अंदर नहीं है, तो शिवरात्रि में उन लोग पहले आ जाएंगे। काने चूचे लूले लूले लग रहे हैं। हाँ जी, भाग वो तो विजयमाला तो है ही नहीं अभी। हाँ? अभी विजयमाला, अभी भी तो विजयमाला आया है ना। विजयमाला आया नहीं तो क्या हुआ? भक्ति मार्ग की शूटिंग में तो आंध्रा भाग गया, रह गया ना, रह गया। भक्ति मार्ग शूटिंग में रहे तो ऐसे महाशिवरात्रि में फिर कौन रहेंगे? महाशिवरात्रि में कौन रहेंगे? ये तो छोटी सी सैंपल है ना, कागज शेर बोले थे बाबा ने। और महाशिवरात्रि जब होंगे तो पूरे एडवांस पार्टी में को हिलाएंगे ना। तो विजयमल आने के बाद होगा कि बाद में होगा? देखो क्या होता। अच्छा, मना आ जाएंगे उनको भी साथ पर। मुरली में बाबा ने क्या बोला है, भाग जाना चाहिए कि रह जाना चाहिए? रहने के लिए बोले बाबा ने। तो फिर तुम देहधारी की बातों को क्यों मानते हो? मैं कहाँ मानी, मैं तो नहीं माना। अच्छा, जनरल मैंने वो समय पर शिव बाबा की बात मैंने याद आ करके अंदर जाना भी कल्याण हो गया ना बाबा। मुझे अभी याद आया था, मैं ईश्वर बाबा को बताऊंगी वो बात। तो तभी रह पाए, नहीं तो पापा सभी लोग चले जाते थे, आंध्रा पार्टी जो भी बच्चे थे ना वो लोग भी चले जाते थे, लेकिन वो दीपक कारण अंदर गए और रह गए। मैंने वो तो शिव बाबा के पैर नहीं हुआ ना यार, की सब चले गए थे और कुछ कुछ और बहने भी। मैंने 80 थे बोल। हाँ जी, उस तरह उस समय का किसी ने वो रजिस्टर देखा? आज ही रजिस्टर, ये रजिस्टर तो नाम तो मैं ही तो उस टाइम गंगाबेन को बताए थे, लिखे थे बाबा को भेजे थे, लेकिन 80 तक था आगे पीछे, इतना साल हो गया, याद हमें कहाँ से आएगा? याद करने की क्या जरूरत, कुछ देखना चाहिए ना। अच्छा, साइंटिस्ट तो बाबा के पास रहेगा ना, ओ, पीछे का क्या है? ओ, तो सब रजिस्टर वगैरह तो ले गए थे ना वो लोग। अच्छा, हाँ बहुत सामान वापस नहीं लेते, वापस आ गए 3 दिन के बाद। एक हफ्ता लगे, एक हफ्ता लग गया। ऐसे ही अचानक जादू करेंगे शिव बाबा, शूटिंग तो कर देना भागने की। अच्छा, मगर उसका मतलब आदि संत करते हैं ना, फिर वो ऐसे दोबारा वही व्यक्ति के साथ? अरे कौन से व्यक्ति के साथ, किसके साथ, क्या पता, जिसका जैसे शूटिंग होगा। बाबा ये बहन जी पूछ रहे
किसी ने कह दिया पेट्रोल डाल के आग लगाने वाले हैं, बस मान लिया सत्य वचन महाराज है। बाबा पहले बाबा बोलते थे जो भी प्रश्न करेंगे असुर है, अगर अभी जो प्रश्न करेंगे वो टिक जाएंगे, ऐसे बात है। ये कहाँ की बात, कहाँ प्रश्न करेंगे तो टिक जाएंगे। उड़न कटोल का बात तलब में बताया, ये क्या बताया? नहीं मतलब उसमें ऐसे बोले हैं कि बाबा ने उस मूल्य में ऐसे कहा, इसमें ऐसे कहा, तो मतलब उसको टैली करके जो मंथन करते हैं ना वही लोग बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे, ऐसे इस तरीके से बाबा। लेकिन बाबा बोलते हैं ना बाबा क्यों क्या नहीं, नहीं जो अगर बाबा को अगर सर्विस करने के हिसाब से पूछे तो उनको क्लियर करना ही पड़ेगा बाबा से। बाबा एक माता जी पूछ रहे थे जहाँ बाबा लौकिक पढ़ाई पढ़े है ना साकार बाबा, और जहाँ बाबा का जन्मदिन है अहमदाबाद हुआ ना, अहमदनगर में हुआ ना बाबा का जन्म, वो घर जो है आसपास में बिल्डिंग बन गई, अहमदगंज 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 बाबा जहाँ जन्म लिया वो घर जैसे की वैसे ही है। अच्छा। और जहाँ बाबा पढ़ाई किया वो स्कूल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो भी ऐसे की वैसी है। इसका राज क्या मुझे पूछे थे माता जी, तो मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन बाबा जब मिलेंगे तो पूछूंगी बाबा से। इसका मैंने यादगार में रूप में रह जाएगी। बाबा ने जिस कमरे में जन्म लिया जी। वो भी जैसा था तैसा ही है। नीचे भाई लोग के रूम में ना फिल्म में वो रूम ऐसे ही अभी नहीं नहीं अहमदगंज अहमदगंज बोले लौकी के जन्म के बाद ऐसे ही है। अभी वो किसके पास है? वो तो लौकी किसके पास है? वो चाचा उस मकान में रहते थे। अच्छा। चाचा ने जिनको रख लिया वो ये लड़ाई पड़े अभी गरीब लोग हैं वो ऐसे अभी तक के। वो ये भी डरते हैं कहीं वे अंदर आकर के वापस ना ले ले, फिर उनका भी भाग्य होगा ना। वो भाग्य मतलब बाबा जहाँ जन्म लिया था वो ना बाबा आप ऐसे जन्म रहे बाबा क्यों नहीं ले रहे वो है? गरीब लगता है कि कहीं यहाँ करके ना ले, गरीब है गरीब करके बाबा को लेने क्या दरकार है? जो भगत होंगे जो लेंगे जाके, बाबा ज्ञानी है बाबा को क्या फायदा होगा लेने। बाबा क्या होगा जन्म बाबा का हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा बाबा ले लेंगे तो उससे क्या होगा? उनका दुख होगा, बेचारे रहे पड़े हैं, मतलब गरीब है, गरीब लोग रहे पड़े तो बाबा देने वाले दे लेने वाले दिया हुआ वापस ले लेने जैसा तूने बाबा ही अपने आप दिए हैं। हाँ जी हाँ, इसलिए उसको अभी तक ऐसा ही उनका अच्छा हिसाब किताब होगा ना। जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे विश्व में लक्ष्मी रूप में तो उनका जन्म का उस स्थल का और पढ़ाई का जो भी जगह है उसको प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्ध होगा तो भगत लोग उल्टा पलटा काम करेंगे, उल्टा पलटा माने वहाँ मंदिर बनाएंगे ये करेंगे। बच्चों जो भी फ्रेंड होकर के केले कूदे वो लोग कितना भाग्यशाली होंगे। अंतिम जन्म उनको पहले पहचान नहीं हुआ जो भी बचपन में फ्रेंड थे जो भी है। क्या आवाज तो वहाँ फैल गई, भगवान उनके बैठ गया उल्टा जी। लेकिन उन लोगों को उसका नशा नहीं है ना, लेकिन अंतिम जन्म उनको अभी नशा नहीं है, पहचान नहीं है पूरा, लेकिन जब पहचान हो जाएगा तब बाबा। तूफान मन ग्लानी है ना, तूफान मन बेहद में ग्लानी को कहते हैं, आते हैं तो ज्ञान में से उखाड़ देते हैं। फिर लक्ष्मी को तो प्यूरिटी देवी है आ? लक्ष्मी आंध्रा में तूफान अभी
वेद आंध्र जो लक्ष्मी है उनको किस बात के लिए ज्यादा तूफान आता है? किस बात के तूफान ज्यादा आते हैं? वो तो अपनी अपनी जिंदगी अपने आप जानी जाती है, दूसरा कोई क्या जानेगा? या बाबा जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथड़ी जाने, माता की परीक्षा नहीं आती है पार्वती को? हे बंगले आता है, आता है बड़े बड़े असरों से वहाँ पर अभी भी है। ध्रुव की सीरियल बताए थे, ध्रुव की माँ आती है ना लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ बन के फिर भी शाम को उनके ऊपर आता है, उसके लिए वही जी। लौकिक में जैसे 80 साल अगर ऐसे हो जाता है ना, 80 साल ऐसे हो जाता है अगर आकस्मिक ऐसे मृत्यु होता है तो वो अकाल मृत्यु में क्या लिस्ट में आएगा? जिनके 80 साल उम्र हो के लौकिक 80 साल के हो जाते हैं और बिना किसी बीमारी के अचानक शरीर छोड़ देते हैं, उनकी अकाल मौत हुई? अकाल मृत्यु, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, नहीं नहीं, बस का धक्का लगा मर गए दब दबोच के, ये बोल रहे हैं तो अकाल मौत हो गई? सोए सो करके है, सोए सोए रात को सारा मेरा सोए सोए रात को अचानक हार्ट फेल हुआ है, अच्छा से गिर गई अचानक मर गए, हाँ तो हार्ट फेल हुआ ना, फिर वो पता भी नहीं चला एक ही बार में हार्ट फेल। ओके, सबसे अच्छी मौत होती है हार्ट फेल होने की, एक सेकेंड में फिर हो रहा, लेकिन अभी फिर उनको जन्म नहीं मिलता है ना, सो भूत प्रेत बंद है। लौकिक में भी जो अच्छे लोग रहते हैं वो भी भूत प्रेत बनते हैं? अरे अकाले मौत हुई तो अच्छे लोग आएंगे है, लेकिन हम लोग जो अकाले मौत उन्हीं की होती है जो ज्यादा पाप करते हैं, लेकिन हम लोग को जो देखने में आता है मैंने ज्यादा ऐसे खराब नहीं है, अच्छे लगते हैं, जैसे हम लोग नए सांस में तो ऐसे लगता था कि उनके जैसे अच्छे तो कोई नहीं, जैसे बाबा को छोड़ के बाबा को प्रभु बाबा नहीं शिव बाबा को छोड़ के उनके जैसे दुनिया में कोई अच्छे नहीं ऐसे उनको लगता था, रहे हैं ना बचपन से लाल लाल पाला लिए सच्चा से, उन लोगों ने जो मेहनत की है उस आधार पर सच्चा है इसके अंदर। ब्रह्मा ने जो मेहनत की तो उन्होंने अचानक से छोड़ दिया गया, तो डॉक्टरों ने आके देखा कि हार्ट फेल हुआ या क्या हुआ? वो लोग कुछ दिखाए नहीं, तो फिर हार्ट फेल हो गया, खत्म हो गए। हाँ वही भी बोल रहे हो, फिर अच्छा इंसान है तो अच्छे इंसान ब्रह्मा अच्छे इंसान नहीं थे है? वो बोलते थे वो कितना एक है ना आकर्षण वाला डॉक्टर, क्या अच्छे इच्छा तुम्हारा हिस्सा उन्होंने दिया, तुमने लिखी तब चिट्ठी लिखी और मैंने बोला भी था, बोला भी था तो तुम्हारा हिस्सा दिया उन्होंने, तभी तो विश्व विजय करते हैं। अकेले से नहीं होगा, अकेले से तो नहीं होता है, ठीक है, अकेले में अकेले से विकारों में विजय कर पाए पूरी राम वाली शिव रंग, हाँ राम वाली आत्मा, इसलिए शिव शंकर कहते हैं शिव शक्ति लेकिन शंकर में शिव राम कृष्ण तीनों है ना, तो तीनों आत्मा मिलेगी तो विश्व विजय करेंगे, इस हिसाब से साकार करने तीनों को मिलते तो नहीं होते। जैसे अशोक पाहुजा है और रवीश भाई है वो अभी तक भी विरोध करते हैं, तो वो आखिर जन्म में दास दासी बनेंगे, आखिर जन्म हाँ वो अंत में जाकर के समझेंगे, जब अंतिम जन्म में समझेंगे तब तब वो झुकेंगे, तो उनका अंतिम जन्म का ही भाग्य बनेगा ना, तो त्रेता का अंतिम जन्म है उसमें जाके उनको राजा वो भी एक को राजाई पूरी मिलेगी, दूसरे को राजाई उससे अधूरी,
तीसरे को उससे भी अधूरी। लेकिन आदि में तो सहयोग देते हैं। आदि में सहयोग देते के आदमी ही तो मिलता है उनको। और फिर अंत में जब वो मानेंगे और सर्विस करेंगे तो वो आदि हुआ ना सतयुग का। अच्छा मैंने यहाँ संगम का भी और सतयुग का भी। हाँ जी रुई है। हाँ रुई है। हाँ